को कहना था कि ऐसा नहीं है कि हम किसी के साथ अन्याय होने देंगे, जस्ट ये बहाली 15 सितंबर तक रिजल्ट घोषणा होने की उम्मीद है, उसके बाद फिर से पुनः 1,20,000 सीट 1 से लेकर 12 तक की घोषणा की जाएगी और उसका नवंबर से प्रक्रिया शुरू भी कर दी जाएगी। ये मतलब बीएड अभ्यर्थियों के लिए कंपनसेशन कह सकते हैं कि आपको अगर ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा 2 से 2.5 महीने में ही फिर आपको नौकरी का एक देख सकते हैं झलक। बीएड और डीएलएड हम लोग साथ आंदोलन के था भली भांति देखते हैं, प्रत्यक्ष देखे हैं, लेकिन अब जो भी अब तो सुप्रीम कोर्ट है उसके अलावा उसके नीचे के जवाब पे हम लोग तो कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन बीएड वालों के लिए अब यही कहेंगे कि आप लोग को देखिए 6 to 8 की बहाली है, आगे आएगी, अभी स्टेट का एग्जाम है, उसकी तैयारी करिए, क्योंकि अब बीपीएससी भी आज एक लेटर निकाल देगी जिसमें लिखा रहेगा कि डीएलएड जो भी किए हैं और बीएड जो भी किए हैं, अब बीएड पर फॉर्म भरे हैं तो पुनः अपना डीएलएड वाला सर्टिफिकेट डाल दीजिए, यानी कि बीपीएससी भी स्वीकार कर ली है। अभ्यर्थी कोई भी सर किसी का अगर ऐसा लगता है कि मेहनत की और जब फल मिलने वाला है तो फल सड़ जाएगा तो वहाँ कोई भी लड़ेगा और किसी के हाथ में भी निराशा होगी। आज हम भी बीएड होते तो हमारे हाथ भी निराशा थी जैसे अदर अभ्यर्थी है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि अभ्यर्थी आपस में ना लड़े, ये तो सुप्रीम कोर्ट का मामला है, वहाँ अगर कुछ लोग जब भी जा भी रहे हैं केस करने के लिए बीएड अभ्यर्थी कि हमको रिलीफ दिया जाए कि जो भी 18 से 23 तक बीएड किए हैं उनको रिलीफ दिया जाएगा। अब देखिए आगे ये सुप्रीम कोर्ट में क्या मामला होता है, लेकिन यहाँ बीपीएससी और शिक्षा अधिकारी मतलब शिक्षा विभाग का कहना है कि बीएड को अभी ना के बराबर संभावना है कि प्राथमिक शिक्षक में बहाली करेंगे, क्योंकि इस पर नहीं टिप्पणी करेंगे कि अतुल प्रसाद जी धमकी भी देते हैं कि अगर एक आदमी पर वो लेटर भी जारी किए थे उनके खिलाफ बोलने पे, सच बोलने पे कि पैसा नहीं देते हैं, ये सूरत नहीं टिप, लेकिन अंदर अंदर की बात है, कोई नहीं चाहता था कि पैसा एक बार मेरे पास आ जाए तो हम आपको दे दें। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बीते दिनों बीएड अभ्यर्थियों को लेकर फरमान आया था, जिस फरमान में यह साफ कहा गया था कि बीएड वाले अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक नहीं बन पाएंगे, जिसके बाद जो लेटर है वो जारी किया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और उसमें यह साफ कहा गया कि बीएड वाले अभ्यर्थी अब प्राथमिक शिक्षक नहीं बन पाएंगे। ऐसे में हमारे साथ सीटेट के अभ्यर्थी अनीस है, अनीस से जुड़ेंगे, बात करेंगे। अनीस, कुछ देर पहले सचिवालय गए थे, अधिकारियों से आज मुलाकात की है, अनीस क्या अपडेट है, अधिकारियों से आपने मुलाकात की है, सुनने में आ रहा है कि अपर मुख्य सचिव के पाठक से भी मुलाकात हुई है, क्या अपडेट है और क्या चर्चा है? सबसे पहले तो बता देते हैं कि जितने भी अधिकारियों से आज बात हुई है, हम लोग ने स्पष्ट कहा है कि देखिए ऐसा हो कि सबके साथ न्याय हो, लेकिन वो बोले हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी जजमेंट है वो सर्वमान्य होता है, उसके अंडर नहीं है, उसके अधीन है, तो जो वो बोलेंगे वो हम मानेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जग जाहिर है कि बीएड को प्राथमिक से बाहर किया, बाहर का मतलब वो बाहर बहुत गंडा वर है, जो उसके लिए जो नियम था ना उस नियम को बैन कर दिया गया, इस वजह से प्राथमिक में बीएड भर्त शामिल अब नहीं हो सकते हैं, उसको लेकर अपडेट दिया गया। फिर अधिकारियों का कहना था कि ऐसा नहीं है कि हम किसी के साथ अन्याय होने देंगे, जस्ट ये बहाली 15 सितंबर तक रिजल्ट घोषणा होने की उम्मीद है, उसके बाद फिर से पुनः 1,20,000 सीट 1 से लेकर 12 तक की घोषणा की जाएगी और उसका नवंबर से प्रक्रिया शुरू भी कर दी जाएगी। ये मतलब बीएड अभ्यर्थियों के लिए कंपनसेशन कह सकते हैं कि आपको अगर ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा 2 से 2.5 महीने में ही फिर आपको नौकरी का एक देख सकते हैं झलक। लेकिन बीएड वाले अभ्यर्थी तो बहाली का इंतजार कर रहे थे, आस लगाए बैठे थे, परीक्षा भी बीपीएससी के द्वारा। बीएड और डीएलएड हम लोग साथ आंदोलन के था भली भांति देखते हैं, प्रत्यक्ष देखे हैं, लेकिन अब जो भी अब तो सुप्रीम कोर्ट है उसके अलावा उसके नीचे के जवाब पे हम लोग तो कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन बीएड वालों के लिए अब यही कहेंगे कि आप लोग को देखिए 6 to 8 की बहाली है, आगे आएगी, अभी स्टेट का एग्जाम है, उसकी तैयारी करिए, क्योंकि अब बीपीएससी भी आज एक लेटर निकाल देगी जिसमें लिखा रहेगा कि डीएलएड जो भी किए हैं और बीएड जो भी किए हैं, अब बीएड पर फॉर्म भरे हैं तो पुनः अपना डीएलएड वाला सर्टिफिकेट डाल दीजिए, यानी कि बीपीएससी भी स्वीकार कर ली है, बस वो 2 से 3 दिन में स्पष्टीकरण का लेटर जारी कर देगी कि हाँ हम इस कारण से बीएड को बाहर कर रहे हैं। सवाल ये है आपसे कि जिस तरीके से आप लोग साथ आंदोलन करते थे, साथ बैठते थे, साथ दिखते थे, ऐसे में देखा जाए तो लगातार जो आर या पार की लड़ाई जो है वो देखने को मिल रही है, लड़ते हुए अभ्यर्थी नजर आ रहे हैं हर जगह। अभ्यर्थी कोई भी सर किसी का अगर ऐसा लगता है कि मेहनत की और जब फल मिलने वाला है तो फल सड़ जाएगा तो वहाँ कोई भी लड़ेगा और किसी के हाथ में भी निराशा होगी। आज हम भी बीएड होते तो हमारे हाथ भी निराशा थी जैसे अदर अभ्यर्थी है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि अभ्यर्थी आपस में ना लड़े, ये तो सुप्रीम कोर्ट का मामला है, वहाँ अगर कुछ लोग जब भी जा भी रहे हैं केस करने के लिए बीएड अभ्यर्थी कि हमको रिलीफ दिया जाए कि जो भी 18 से 23 तक बीएड किए हैं उनको रिलीफ दिया जाएगा। अब देखिए आगे ये सुप्रीम कोर्ट में क्या मामला होता है, लेकिन यहाँ बीपीएससी और शिक्षा अधिकारी मतलब शिक्षा विभाग का कहना है कि बीएड को अभी ना के बराबर संभावना है कि प्राथमिक शिक्षक में बहाली करेंगे, क्योंकि जो एनसीटी की गाइडलाइन थी
28 जून 2018 से वही रद्द होगी जो कानूनी नहीं है, तो किस कानून पे हम नियुक्ति करा देंगे। लेकिन लगातार बयान भीड़ लोग जो हैं वो बयान दे रहे हैं, ऐसे में वो कह रहे हैं कि बहाली तो बीएड वालों की होनी है, नीतीश सरकार के तमाम जो नेता हैं वो कह रहे हैं बहाली तो होनी। अब नीतीश कुमार जी तो प्रधानमंत्री का भी सपना देख रहे हैं तो बन जाएंगे क्या? तो सपना देखना अच्छी बात है, लेकिन उसको हकीकत में क्या है वो भी स्वीकार करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी भी रोज सुबह उठ के सोचते हैं कि आज लाल किला पर देंगे तो अगला साल भाषण हम, लेकिन ऐसा नहीं है, वो गांधी मैदान में भाषण देते रह जाएंगे। तो इसीलिए जो भी अभ्यर्थी हैं, जो भी बीएड डीएलएड हैं, उनको सच्चाई स्वीकार कर लेनी चाहिए। मैं किसी के खिलाफ नहीं, क्योंकि हम बीएड और डीएलएड लेकर साथ आंदोलन चाहे, हम भी चाहते थे कि भाइयों को नौकरी मिले, ऐसा नहीं है कि हम नहीं चाहते थे, लेकिन अब जो भी है सुप्रीम कोर्ट से तो बड़ा कोई नहीं, हम बार बार यही कहना चाहते हैं। आंसर की को लेकर लगातार आक्रोश देखने को मिल रहा था, ऐसे में कई सारे वीडियो सामने निकल के आ रहे हैं, अभ्यर्थी कह रहे हैं कि बीपीएससी के द्वारा आंसर की सही जारी नहीं किया ना। तो देखिए, तो बीपीएससी ने इस पे एक्शन भी लिया है और बीपीएससी द्वारा एक लेटर जारी किया गया है जिसमें जिन जिन प्रश्नों पे आपत्ति है उसको आज मैंने 5 से लेकर 7 तारीख तक ऑब्जेक्शन करने को दिया गया है, और वो प्रोविजनल आंसर की था, अभी फाइनल आंसर की सुधार करके आएगा, और उम्मीद है कि सारे अभ्यर्थियों का तो कम से कम 3 से 4 मार्क्स बढ़ने का उम्मीद है। लगातार जो वेरिफिकेशन है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो हो रहा है, इसमें उसको लेकर भी कई सारी विसंगतियां सामने निकल के आ रही है। अनीस, आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, अभी तो मुझे लगता था कि रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि आप 90,000 अभी बुलाए अभ्यर्थियों को, आपको पता है कि 90,000 को नौकरी आप नहीं दे पाएंगे, क्योंकि 27,000 के करीब में SST में पास है और सीट है 5,000, बाकी तो 22,000 लौट जाएंगे। तो जिनका रिजल्ट आता उनको आप कराते, अभी परेशानी है, पैसे खराब बर्बाद होते हैं और सभी लोग मध्यम वर्ग के फसल है, तो इसलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जो प्राथमिक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रही है वो अभी पता चल रहा है, मतलब इस सूत्रों के हवाले से उसको कह सकते हैं कि हम लोग का रिजल्ट आने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, क्योंकि हमारी संख्या 5,24,000 है जो एग्जाम में अपियर हुए थे। बीएड वाले अभ्यर्थियों को क्या कहिएगा? बीएड वाले को अभ्यर्थी करें कि आप लोग लड़िए, लड़ना है, कोशिश करता है कि कोशिश करते करते हारेंगे। अब घर पे सोचिएगा, अफसोस करने से कुछ नहीं होगा, और बहुत लोग अभी सुने कि केस करने जा रहे हैं, उनका सहयोग करिए, हम ये क्या कर सकते हैं, क्योंकि व्यक्तिगत दुश्मनी किसी से नहीं है। और हम ये भी अपील करना चाहते हैं, बीएड और डीएलएड अभ्यर्थी का वीडियो देखेंगे भी, किसी से भी व्यक्तिगत दुश्मनी मत लीजिए कि आप बीएड हैं तो आप हमारे दुश्मन हैं, आप डीएलएड हैं तो दुश्मन है। आपका हक देना ना देना सुप्रीम कोर्ट ही तय कर रहा है, वही करेगा। सबको अधिकार मिलेगा। जैसे बीएड को है मौका है, आगे भी 6-8 में मिलेगा, 9-10 में मिलेगा, 11-12 में मिलेगा, और अधिकारी भी बनने का बीएड को मौका मिलता है सर, ये कोई नहीं बोलता है। जो बीओ होते हैं उसकी जो बहाली आती है सिर्फ बीएड वाले भरते हैं, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है अभी, और ये नहीं है कि यही अंतिम था तो इसके बाद हम मर जाएंगे या इसके बाद हमको कुछ नहीं मिलेगा, आगे भी तो अभी लड़ना है, आगे लड़िए, अभी बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है और हारना नहीं है, कोशिश करना है। सरकार की मंशा नहीं है क्या बहाली करने, क्योंकि सरकार यह जानती थी कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसके बावजूद बीपीएससी के द्वारा एग्जाम लिया गया और कहा यह गया कि एग्जाम होगा, बीएड वाले भी अभ्यर्थी माननीय, हम तो इस पर नहीं टिप्पणी करेंगे कि अतुल प्रसाद जी धमकी भी देते हैं जी, कि अगर एक आदमी पर वो लेटर भी जारी किए थे उनके खिलाफ बोलने पे, सच बोलने पे कि पैसा नहीं देते हैं, ये सूरत नहीं टिप, लेकिन अंदर अंदर की बात है, कोई नहीं चाहता था कि पैसा एक बार मेरे पास आ जाए तो हम आपको दे दें जी। अभ्यर्थियों को पिसने की जरूरत है, अगर आपको मालूम था कि 11 तारीख को जजमेंट आ गया, 13 दिन बाद आपको एग्जाम नहीं लेना चाहिए था, आपको कम से कम आपके अंदर ये क्षमता थी एग्जाम पोस्टपोन्ड करते, क्लेरिफिकेशन करते कि हाँ हम इनको बहाली में शामिल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, अगर नहीं कर पाएंगे तो एग्जाम उनका नहीं लेना चाहिए था, और पैसे लौटा के उनको बोलना चाहिए था कि आपका 6-8 की बहाली के लिए आगे इंतजार करिए, या फिर एक बीपीएससी या शिक्षाविका ये भी कर सकती थी कि देखिए जो भी सीटें आती हैं उसमें बढ़ाया घटाया जा सकता है, कम से कम बीएड वाले जो अभी डीएलएड का सर्टिफिकेट डालने को कर रहे हैं उससे अच्छा तो तक बीएड को मांगते हैं कि आप तुम पेपर 2 सीटेट में जो क्वालिफाई वो डाल दो, तुम्हें 6-8 में हम बहाली कराएंगे, क्योंकि वहाँ 6-8 का वहाँ बीएड का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन बीपीएससी अभ्यर्थियों को परेशान करना चाहती थी। और आपको एक बड़ी जानकारी देते हैं जी, अक्टूबर के अंतिम या नवंबर के प्रथम सप्ताह में 1,20,000 की बहाली आएगी, लेकिन उसको घोषणा की जाएगी, बहाली प्रक्रिया थोड़ी सी शुरू होगी, फिर आचार संहिता लगेगा और उस पर चुनाव लड़ा जाएगा। कहां से कह रहे हैं अनिश जी की? अब भैया तो बहुत लोग हैं, अब सूत्र सब लोग सूत्र बताता है ये, और ये जानकारी स्पष्ट है, आज नहीं रिकॉर्ड पे बोल रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, देख लीजिएगा।
देखिए 1,20,000 अभ्यर्थियों की बहाली हो गया, ऐसे में सीटेट अभ्यर्थी अनीस ने यह साफ कहा है कि हमने आज सचिवालय जाकर अधिकारियों से मुलाकात की है और जिसके बाद यह साफ अधिकारियों के द्वारा कहा गया है कि बीएड वाले अभ्यर्थी अब प्राथमिक शिक्षक नहीं बन पाएंगे, यह स्पष्ट हो गया है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश जिस तरीके से आया था सामने, उसके बाद कहीं ना कहीं बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा यह घोषणा किया गया कि बीएड वाले अभ्यर्थी बीपीएससी के शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में शामिल होंगे, लेकिन जिस तरीके से अभ्यर्थी शामिल हुए कहीं ना कहीं उनका समय बर्बाद हुआ, पैसा बर्बाद हुआ और कहीं ना कहीं भविष्य के साथ देखा जाए तो खिलवाड़ किया जा रहा है। नीतीश सरकार लगातार यह कहती है कि हम युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, शिक्षक अभ्यर्थियों को रोजगार दे रहे हैं। आखिरकार सवाल उठता है कि बीएड वाले अभ्यर्थियों को लेकर आदेश आने के बाद आपने कहीं ना कहीं परीक्षा लिया तो कैसे लिया, क्या कुछ कह रहे सीटेट अभ्यर्थी अनीस, देखने वाली बात यह होगी इस पर क्या कुछ होता है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी प्रत्यूष के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।